जब भी हम कोई व्यापार करते हैं तो हमारा एकमात्र उद्देश्य लाभ कमाना होता है। ज़्यादातर जो भारत के उद्योगपति हैं, ना केवल सिर्फ भारत के बल्कि पूरी दुनिया के, वो लाभ कमाने के लिए यानी कि प्रॉफिट कमाने के लिए ही व्यापार करते हैं। लेकिन भारत में एक उद्योगपति ऐसा भी हुआ जिसने लाभ के साथ साथ लोगों के हित के बारे में सोचा, जिसकी आज दुनिया भर में सैकड़ों कंपनियाँ हैं। एक ऐसा शख्स जिसने टाटा की नींव रखी। टाटा एक ऐसा शब्द जो हमने आपने बचपन से सुना है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि आखिर टाटा की शुरुआत, टाटा कंपनी की स्थापना किसने और कब की? नमस्कार, मैं पंकज कुमार और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल गजब इंडिया, जहां पर आज मैं बात करूंगा जमशेद जी टाटा के बारे में। आखिर ये टाटा कंपनी शुरू कैसे हुई, सब कुछ जानेंगे हम इस वीडियो में। आज टाटा संस का साम्राज्य नमक से लेकर चाय तक, स्टील से लेकर कार ट्रकों तक और वित्त से लेकर सॉफ्टवेयर तक हर कहीं नजर आता है। जब कोई नया मैनेजर या कामगार टाटा समूह की किसी कंपनी में काम शुरू करता है तो उसे उस समूह के बारे में एक वाक्य में बताया जाता है, हम किसी न किसी रूप में हर भारतीय की जिंदगी का हिस्सा है। टाटा समूह अपनी बाकी विशेषताओं के अलावा एक और बात के लिए जाना जाता है, वह है इसका केंद्रीय मूल्य। यह विचार कहता है कि इस कारोबारी साम्राज्य की बुनियाद मुनाफे से इतर समाज की भलाई में होगी। इस केंद्रीय मूल्य संस्थापक थे जमशेद जी नुसरवान जी टाटा। टाटा के संस्थापक जमशेद जी नुसरवान जी टाटा थे। टाइम्स ऑफ इंडिया के साल 1907 से लेकर 1923 तक संपादक रहे सर स्टैनली रीड ने कहा था, सिर्फ एक ही शख्स था जिसने हौसले के साथ भविष्य को देखा और जिसने बाकियों से अलग पूर्ण अर्थव्यवस्था पर विचार किया, ये थे जमशेद जी नुसरवान जी टाटा। जमशेद जी को उनकी चार उपलब्धियों के लिए हमेशा याद किया जाएगा, स्टील उत्पादन इकाइयों की स्थापना, हाइड्रोइलेक्ट्रिक ऊर्जा का उत्पादन, भारतीय विज्ञान संस्थान, होटल ताज का निर्माण। एलिफिंस्टन कॉलेज से ग्रीन स्कॉलर बनने के बाद जमशेद जी के पिता ने उन्हें हांगकांग भेज दिया। यहीं से उनका व्यापारिक जीवन शुरू हुआ। वह गदर का साल था जब दिसंबर में उन्होंने जमशेद जी और अर्देशीर नाम से हांगकांग में फर्म बनाई। इसके जरिए चाइना कपास और अफीम का निर्यात होता था। यही वो समय था जब दुनिया भर में कपास की मांग तेज हो रही थी और व्यापारी रातों रात अमीर हो रहे थे या कपास के सट्टे में बर्बाद हो रहे थे। हर कोई इस क्षेत्र में भाग्य आजमाना चाह रहा था। लंदन एक बहुत बड़ा बाजार था। जमशेद जी को उनके पिता ने किस्मत आजमाने इंग्लैंड भेज दिया। शुरुआत में कुछ साल उन्होंने कपास की दलाली में बिताए और फिर जूट मिल मालिक बनने में। काउसी नाना भाई डावर ने तारदेव यानी कि बॉम्बे में हिंदुस्तान की पहली कपास फैक्ट्री लगाई। सभी इसी होड़ में थे कि बॉम्बे या अहमदाबाद के आसपास में मिले स्थापित की जाएं। जमशेद जी और उनके पिता नुसरवान जी टाटा ने पहली बार कहीं और मिल स्थापित करने का मन बनाया। जगह चुनी गई जबलपुर। यहाँ कपास के खेत थे और नर्मदा का पानी भी था। सरकार को आवेदन भेज दिया गया, पर एक दिक्कत थी, उस जगह एक साधु था जिसके कई भक्त थे। समस्या तब हुई जब भक्तों ने धमकी दे डाली कि अगर साधु को विस्थापित किया गया तो दंगे भड़क जाएंगे। आखिरकार इस झगड़े से बचने के लिए नागपुर का चयन किया गया। एक जनवरी साल 1877 को रानी विक्टोरिया हिंदुस्तान की रानी घोषित हुई और उनके नाम पर ही जमशेद जी ने नागपुर में एम्प्रेस मिल की स्थापना की। शुरुआती दिक्कतों के बाद साल 1881 में एम्प्रेस ने 16% लाभांश दिया, जो समय बड़ी बात थी। कुछ ही समय में यह मध्य प्रांत की सबसे बड़ी मिलों में से एक बन गई। जमशेद जी भारत में कामगारों के कल्याण के कार्यक्रम शुरू करने वाले पहले उद्योगपति थे। कामकाज के जिस तौर तरीकों को प्रोफेशनल कल्चर कहा जाता है, वह उस वक्त तो बिल्कुल भी नहीं था। फैक्ट्रियों में मजदूरों की गैरहाजिरी 10% से लेकर 20% तक थी। जमशेद जी ने इसी समस्या से निजात पाने के लिए प्रोविडेंट फंड, दुर्घटना बीमा स्कीम और पेंशन फंड की स्थापना की। पहली बार मिल में वातायन यानी कि वेंटिलेशन और उमस से बचने के उपाय करवाए गए। इनमें से कुछ सुधार तो इंग्लैंड में फैक्ट्रीज एक्ट लागू होने से पहले ही हिंदुस्तान में अमल में लाए गए। पहली बार मजदूरों को बेहतर काम करने के लिए इनाम दिया जाने लगा, जिनमें सोने चांदी की घड़ियां और मेडल्स भी थे। उन्हें कपड़े बांटे जाने लगे। मजदूरों के लिए शौच और डिस्पेंसरी की व्यवस्था की गई। प्रबंधकों को ट्रेनिंग के लिए फंड दिया गया। जमशेद जी ही ऐसे पहले उद्योगपति थे जिन्होंने अपने कर्मियों के रहने के लिए आवास का इंतजाम किया। एफ.आर. हैरिस ने जमशेद जी के जीवन पर लिखी किताब क्रॉनिकल ऑफ हिज लाइफ में लिखा है, हालांकि जमशेद जी एक उद्योगपति थे पर पहले वे एक स्कॉलर थे। शिक्षा को लेकर वे बड़े उत्साहित रहते थे। जमशेद जी यह जानते थे कि हिंदुस्तान को अगर विश्व शक्ति बनना है तो उच्च शिक्षा के क्षेत्र में कारगर कदम उठाने होंगे।
उस वक्त इंडियन सिविल सर्विसेज में कम ही भारतीय विद्यार्थी आ पाते थे। एक आंकड़े के अनुसार साल 1914 तक कभी भी 7 से ज्यादा भारतीयों का इस सेवा के लिए चयन नहीं हुआ था। रूसी लाला अपनी किताब द लाइफ एंड टाइम्स ऑफ जमशेद जी टाटा में इस बात को लिखा है कि जमशेद जी टाटा ने ब्रिटिश सरकार को इस बात के लिए राजी करने का प्रयास किया कि सिविल सर्विसेज की परीक्षा इंग्लैंड के साथ साथ हिंदुस्तान में भी होनी चाहिए। 1892 में उन्होंने उच्च शिक्षा के लिए प्रयास शुरू कर दिया। उन्होंने मेधावी छात्रों के लिए छात्रवृत्ति कोष की स्थापना की। कहा जाता है कि उस दौर में सिविल सर्विस में जाने वाले कई छात्र टाटा की छात्रवृत्ति के जरिए ही अपनी उच्च शिक्षा हासिल कर रहे थे। इन छात्रों में से कई देश में शीर्ष पदों पर भी पहुंचे या उन्होंने बड़ी बड़ी उपलब्धियां हासिल की, जैसे डॉक्टर जीवराव मेहता जो कि गुजरात के मुख्यमंत्री बने, डॉक्टर राजा रमन्ना जो भौतिक विज्ञानी बने, डॉक्टर जयंत नार्लिकर जो मशहूर खगोल वैज्ञानिक बने और डॉक्टर जमशेद ईरानी जो बाद में टाटा स्टील के मैनेजिंग डायरेक्टर बने। भारतीय विज्ञान संस्थान की स्थापना जमशेद जी की मृत्यु के बाद साल 1909 में हुई। एक बार जब वे इसका प्रस्ताव लेकर तत्कालीन वायसराय लॉर्ड कर्जन के पास गए तो उसने पूछा, पर ऐसे शिक्षित हिंदुस्तानी विद्यार्थी कहाँ हैं जो ऐसे किसी संस्थान में दाखिला ले पाएं, और अगर ले भी लिया तो उनके लिए उतने बड़े रोजगार कहाँ हैं। हालांकि ऐसी बातों से जमशेद जी बिल्कुल भी हतोत्साहित नहीं हुए। इस ख्वाब की शुरुआत 1896 में ही हो गई थी, जब उन्होंने यह महसूस किया कि हिंदुस्तान में उच्च स्तर के न तो विश्वविद्यालय हैं और न ही शोध हो रहे हैं। जमशेद जी ने इसके लिए अपनी 30 लाख की संपत्तियां दान देने की भी बात कही थी। इस विचार को लेकर वे इतने उत्साहित थे कि उन्होंने स्वामी विवेकानंद को पत्र लिखकर इस प्रयास का नेतृत्व करने के लिए निवेदन किया। बदकिस्मती से साल 1902 में ही विवेकानंद की मृत्यु हो गई। बाद में उनके शिष्या निवेदिता जमशेद जी के प्रयास की समर्थक बनी। मैसूर के राजा ने इस काम के लिए 375 एकड़ जमीन और एक मुश्त खर्च के लिए 5 लाख रुपए दिए थे। साथ ही व्यवस्था दी थी कि हर महीने संस्थान को 50,000 रुपए दिए जाएंगे। साल 1905 में लॉर्ड कर्जन ने हिंदुस्तान छोड़ने से पहले इस संस्थान की स्थापना को हरी झंडी दे दी और साल 1909 में इसकी स्थापना हुई। इंग्लैंड में रहते हुए जमशेद जी के लिए थॉमस कार्लाइल का एक भाषण जीवन का मंत्र बन गया। इसमें कार्लाइल ने कहा था, जिस देश के पास स्टील होगा उसके पास सोना होगा। साल 1882 में जमशेद जी ने एक लेख पढ़ा था। इसमें जर्मन भूविज्ञानिक रीटर ओ श्वार्ट्स ने जानकारी दी थी कि नागपुर के पास चंदा, जो कि अब चंद्रपुर है, उस जिले में एक गाँव है लोहरा, जहां सबसे बढ़िया लौह खनिज के भंडार है। इस लेख को पढ़ने के बाद जमशेद जी ने वहां खनिजों की खदान के लाइसेंस के लिए आवेदन किया। इसके बाद जमशेद जी ने अपना ख्वाब पूरा करने में जुट गए। हालांकि शुरुआत में उन्हें काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। कर्जन को हिंदुस्तानियों की काबिलियत पर भरोसा नहीं था। वो सोच भी नहीं पा रहा था कि कोई भारतीय स्टील प्लांट भी लगा सकता है, लिहाजा उसने इंग्लैंड से कुछ बड़े उद्यमियों को भारत में निवेश का निमंत्रण दिया। जमशेद जी जल्दी में थे, वे सबसे पहले अपना प्लांट लगाना चाहते थे। उन्होंने अमेरिका के उन शहरों का दौरा किया जहां स्टील के प्लांट्स स्थापित थे। उनकी खस्ता हालत देखकर उन्होंने अपने बेटे दोराबजी टाटा को खत लिखा, जिसमें हिदायत दी कि फैक्ट्री लगाने के साथ साथ वे शहर को भी विकसित करें, सड़कें बड़ी हों, खेलने के लिए मैदान हों, हिंदुओं, मुस्लिमों और ईसाइयों के लिए उनके प्रार्थना घर बनवाए जाएं। जमशेद जी का यह ख्वाब साल 1907 में यानी कि उनके मृत्यु के 3 साल बाद पूरा हुआ। तो ये पूरी जानकारी थी जमशेद जी टाटा के बारे में। आपको ये जानकारी कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। कुछ अच्छा लगा तो भी लिखिए, कुछ बुरा लगा तो भी लिखिए। किसी दूसरे टॉपिक पे जानना है तो नीचे कमेंट बॉक्स में टॉपिक लिखिए, मैं रिसर्च करूँगा, वीडियो बनाऊँगा और उसे आप देख पाएंगे। ये वीडियो अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। सब्सक्राइब करने के बाद नीचे बेल आइकन को ज़रूर दबाइए ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूँ आपको नोटिफिकेशन मिले और उसे आप सबसे पहले देख पाएँ।